देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ मैम। अच्छा रेशियो का जितना भी बेसिक होना चाहिए वो तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट उसको करेंगे। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्या बोला है देखो। एक मिनट थोड़ा ओपन बोर्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ठीक है इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमें बैलेंस शीट बनाना है जिसमें दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्स्ड एसेट टू, ये ना थोड़ा सा ये हो गया है यहाँ पर, ये है फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर रेशियो। ठीक है फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर्स, एक मिनट चेक करके बताते हैं ये क्या है। फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड है आई थिंक, देख लेते हैं एक मिनट बताते हैं। फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो ठीक है ये है प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, रिजर्व सरप्लस 1,60,000, करेंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5। हमें ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग को इससे क्या करना है, हम लोग को इससे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है तो हम एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखो लगभग ऐसा ही हम लोग करेंगे, उसके बाद तुम लोग भी मुझे बताना कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा पहले मुझे इतना बताओ कि ये जो यहाँ पर बैलेंस शीट का बात हो रहा है, बैलेंस शीट का बात हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हम लोग बैलेंस शीट में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बोलो, पहले वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बोलो। तुम लोग तो एफएम में ये तो हर बार आता है वर्किंग कैपिटल का मतलब। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी का ये वैल्यू है, तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली तो अभी लिख नहीं सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो ये किधर आएगा, ये लाइबिलिटी साइड है ये एसेट साइड होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा। फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो ठीक है, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी ये रेशियो लिखा हुआ है तो इसका भी हम लोग लिख नहीं सकते, कहां पर आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस बोलो कहां पर आएगा। एसेट रिजर्व, रिजर्व माने प्रॉफिट, प्रॉफिट कोथाय ऐड है फाइनल अकाउंट से। जब फाइनल अकाउंट्स हमरा करतम, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते थे बोलो प्रॉफिट कहाँ पर ऐड करते थे। एट लास्ट रोज अपने प्रॉफिट कैपिटल कैपिटल, तो वो कहाँ पर होगा, कैपिटल किधर रहता है, लाइबिलिटी। तो रिजर्व सरप्लस भी किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है अच्छा करेंट रेशियो ये तो हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि ये करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी होता है। लिक्विड रेशियो मतलब करेंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी माइनस बीओडी, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। ठीक है अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है इस तरह से। हम लोग ये टी शेप में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बाकी डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो पहले देखो हमारे पास है वर्किंग कैपिटल 2,40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट रेशियो। अच्छा तो कौन सा लिखे पहले, क्वेश्चन नंबर वन ठीक है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है डायरेक्टली, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, पहले हम लोग रेशियो लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट टू यानी डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो बोलो कितना है, 0.75, तो कुछ नहीं डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 होगा इसका मतलब। दूसरा बताया है रिजर्व सरप्लस, ये तो डायरेक्टली बता दिया। करेंट रेशियो 2.5, करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी।
ठीक है, और ये दिया हुआ है 2.5, ये हो गया ठीक है। अच्छा, और लिक्विड रेशियो 1.5। तो लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो, इसमें क्या क्या होता है, इसमें करंट रेशियो, करंट एसेट माइनस क्या होता है इन्वेंट्री यानी स्टॉक, और प्रीपेड एक्सपेंस। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही किया था, प्रीपेड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में हो तो, हम लोगों को अगर नहीं पता है तो हम लोग जीरो लिख देंगे। हम लोग ओवरऑल फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, मतलब मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ था, सॉरी वैल्यू दिया हुआ था 1.5, तो 1.5 इक्वल टू ये आ जाएगा करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सीएल माइनस बीओडी, ठीक है। ये तीन चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो इससे कुछ सोल्यूशन हमारा हो सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.75 प्रोप्राइटरी रेशियो, अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा 2.5 सीएल इक्वल टू सीए, करंट एसेट इक्वल टू ये आ गया। और यहां पर अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहां पर देखते हैं क्या बीओडी का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, ठीक है। तो 1.5 सीए करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बीओडी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 40,000। अच्छा, अब हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, अभी तुम लोगों ने ही कहा। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कितना है 2,40,000, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ये अलग से ही लिखते हैं। देखो इतना तक तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग लिखेंगे करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2,40,000। अब इस इक्वेशन में बोलो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर जो तीन, ये थोड़ा सा हम स्लाइड को ऐसे करते हैं। अब बोलो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, क्या कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करके किसी भी चीज का वैल्यू निकल पाएगा, बोलो। हेलो, मुझे तो एक एक चीज का वैल्यू ही तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या किसी भी रिलेशन से, ये तीन रिलेशन बना है ना हमारा, ये तीन रिलेशन में कहीं भी हम लोग किसी भी वैल्यू को क्या यहाँ पुट कर पाएंगे ताकि कुछ भी आंसर आ जाए? हाँ बोलो कौन सा पुट होगा, करंट एसेट, करंट एसेट को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2,40,000। तो यहाँ पर माइनस करो कितना होता है 1.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया 2,40,000, 2,40,000, ये एक जीरो मैंने ज्यादा दे दिया है। अच्छा, अब बोलो तब करेंट लाइबिलिटी कितना आएगा बताओ, 1,60,000 करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, अगर करेंट लाइबिलिटी 1,60,000 हो गया, क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके करेंट एसेट ला सकते हैं, सोचो एक बार। हाँ, तो करेंट एसेट कितना होगा बोलो, करेंट एसेट, तो यहां से हम लोग निकाल लेते, देयरफॉर करंट एसेट इक्वल टू 2.5 इनटू 1,60,000, तो कितना आ जाएगा, इनटू करके देख लो, अरे 4 लाख। अच्छा 4 लाख आ गया करंट एसेट। अच्छा, तो हम लोग को करंट एसेट करंट लाइबिलिटी मिल गया, बैलेंस शीट जैसे बनाना है हम लोग इस तरह से ही चल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा इसमें चलते हैं, क्यों बोलो इसमें जा रहे हैं, क्योंकि हमें करंट एसेट मिल गया, करंट लाइबिलिटी मिल गया, बीओडी पता था, तो शायद कुछ हमें पता चल जाए इसके आगे। देखो ये सॉल्व हो गया, ये वाला जो था ये सॉल्व हो गया, हम लोग को करंट लाइबिलिटी भी मिल गया, करंट एसेट भी मिल गया। अब फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटरी रेशियो, फिलहाल ये जो डेटा हमें फाइंड आउट हुआ है उससे मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम हो सकता है, ठीक है। तो 1.5 इसको सॉल्व कर रहे, करंट एसेट कितना आया 4 लाख, इन्वेंट्री लिख देते, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है। अब इन्वेंट्री के बारे में देखो, इन्वेंट्री होगा ही, इस फॉर्मूला का सबसे जनरल वर्जन क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चीज होगा ही होगा, ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट होता ही होता है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, ये है सबसे बेसिक फॉर्मूला क्विक रेशियो का। लेकिन इसमें कभी कभी हमारा बीओडी और प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये भी आ जाता है। गुड इवनिंग मौसमी। गुड इवनिंग मैम। कभी कभी हमारा ये वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये मैंने फुल फॉर्मूला लिखा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो हम लोग आंसर्स को पुट कर सकते हैं। तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस जब क्वेश्चन में नहीं बताया है तो हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि कहीं पर भी हमें पता नहीं चल रहा प्रीपेड एक्सपेंस। बीओडी भी अवॉइड कर सकते थे, बट बीओडी बता रखा है 40,000, तो ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। करेंट लाइबिलिटी 1,60,000। अब बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4,00,000, 4,00,000 माइनस इन्वेंट्री। अच्छा, 1,60,000 माइनस 1,40,000 कितना होगा मैम? 1,20,000। हाँ बोलो। इन्वेंट्री वैल्यू 2,20,000। इन्वेंट्री, हाँ 2,20,000, सही। इन्वेंट्री वैल्यू 2,20,000 होगा। अच्छा, ये कितना आ रहा है इनटू करके 1,80,000। अच्छा, इक्वल टू 4,00,000 माइनस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगा, अभी जो ज्योति ने कहा वही वाला आ रहा है हमारा, इन्वेंट्री हो जाएगा 2,20,000। तो देखो, इन्वेंट्री भी मिल गया, ठीक है, हम लोग को इन्वेंट्री भी मिल गया। तो ये जो भी हम लोगों ने अभी लिखा था ना, जो भी हमारे पास अननोन था वो मिल गया, जैसे कि करेंट एसेट मिल गया, करेंट लायबिलिटी मिल गया, इन्वेंट्री मिल गया, बट प्रीपेड एक्सपेंस जीरो है, क्वेश्चन में इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट ये चाहिए फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो, ये चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन था, वर्किंग कैपिटल इसको यूज किया, बैंक ओवरड्राफ्ट यूज हो गया, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर इसको यूज करना बाकी है, मतलब लिखा तो है बट अभी तक कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, रिजर्व सरप्लस, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ठीक है। अब हम लोग फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटरी फंड्स देखेंगे। तो अभी तक जो हमारा बैलेंस शीट बना है ना, वो देखने में कैसे लगेगा, देखो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है उसके हिसाब से हमारा बैलेंस शीट कैसे देखने में होगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट जरूर होगा। करेंट एसेट हमें पता चल चुका है, करेंट एसेट कितना है 4,00,000। देखो करेंट एसेट है 4,00,000, ठीक है। अच्छा, और फिक्स्ड एसेट हमें नहीं पता। हम लोगों के पास रिजर्व सरप्लस बता दिया गया है, रिजर्व सरप्लस है 1,60,000। ये देखो रिजर्व सरप्लस है 1,60,000। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, ये तो लाइबिलिटी साइड ही होता है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, ये लिख दिया मैंने लाइबिलिटी, और ये एसेट्स। अच्छा, अब करेंट रेशियो, ये लिक्विड रेशियो, स्टॉक, स्टॉक मिला था, स्टॉक यहाँ पर करेंट एसेट में ही आएगा, मतलब करेंट एसेट का एक पार्ट होता है स्टॉक। तो स्टॉक कितना है, स्टॉक हमारा है 2,20,000। तो स्टॉक अगर 2,20,000 है, यहाँ पर लिखते हैं 2,20,000, और टोटल करेंट एसेट अगर 4,00,000 है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं। टोटल करेंट एसेट अगर 4,00,000 है, तो अदर करेंट एसेट लिखेंगे, ये अगर स्टॉक है तो बाकी को हम लोग क्या लिखेंगे, अदर। तो बोलो अदर करेंट एसेट कितना होगा, तभी तो सब मिला के 4,00,000 हुआ होगा। नहीं समझ में आया मेरा बात, करेंट एसेट मतलब टोटल करेंट एसेट 1,80,000 माइनस करोगे तो पता चल जाएगा ना, टोटल करेंट एसेट इतना, उसमें स्टॉक का नाम पता है 2,20,000, बाकी को क्या लिखेंगे, अदर, नहीं पता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा। अच्छा, रिजर्व सरप्लस लिख लिया, अब यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। करेंट लाइबिलिटी टोटल हमें पता है 1,60,000, लेकिन एक करेंट लाइबिलिटी का नाम पता है बीओडी, बीओडी इसके अंडर लिखते हैं, ठीक है, करेंट लाइबिलिटी में ही आता है बीओडी। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख दिया करेंट लाइबिलिटी, इसके अंडर लिख देते हैं बीओडी। बीओडी कितना था 40, है ना। अच्छा, तो अदर कितना होगा, अदर करेंट लाइबिलिटी अगर ये 40 है, ये टोटल 1,60,000 है, तो अदर करेंट लाइबिलिटी 1,20,000, ठीक है, ये 1,60,000 हो गया, ये भी 1,60,000 है। चलो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क रह गया। और यहाँ पर क्या होगा, कंपनी है, रिजर्व सरप्लस है, प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, शेयर कैपिटल में क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट ये दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ,
क्या टोटल करेंट एसेट और टोटल करेंट लाइबिलिटी बराबर होता है? टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होगा कि नहीं होगा ये बोलो. टोटल एसेट इक्वल टू टोटल, अब एसेट में क्या क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट है ना, करंट एसेट. और लाइबिलिटी में क्या आएगा बोलो? लाइबिलिटी में आएगा प्रोप्राइटर का फंड, मतलब जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस. और उसके अलावा क्या आता है? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा तीन पार्ट में मेनली डिवाइडेड होता है ना. बैलेंस शीट हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है. एक तो हो गया एसेट, हम लोग बोलते हैं दो तरह, दो जगह पे, एक एसेट और एक लाइबिलिटी. लेकिन लाइबिलिटी का ना दो मतलब होता है, एक खुद का क्रिएट किया हुआ और एक दूसरे से लिया हुआ. ठीक है, तो एक हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर प्रोप्राइटर्स फंड और एक करेंट लाइबिलिटी, इस तरह से लिखा है. ठीक है, मतलब वही फिक्स्ड और करेंट, यहाँ पर प्रोप्राइटर फंड और करेंट लाइबिलिटी. तो बोलो करेंट एसेट कितना आया था? करेंट एसेट पता था ना कितना आया था, बोलो करेंट एसेट 4 लाख. और करेंट लाइबिलिटी 1 लाख, 4 लाख और 1,60,000. अच्छा, अब देखो फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटर फंड में एक रिलेशन मिला था. बोलो क्या रिलेशन मिला था? एकदम फर्स्ट जो हम लोगों ने लिखा था, फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड है ना. प्रोप्राइटरी सॉरी ये ना फंड लिखो, मैंने गलती से इसको रेशियो लिख दिया, वहां पर दिख नहीं रहा था. ये प्रोप्राइटरी फंड होगा, प्रोप्राइटरी फंड. अच्छा 0.75 प्रोप्राइटरी, क्या इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 0.75 प्रोप्राइटरी फंड? बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, समझ में आया? सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, क्या ठीक है? दीदी अब बोलो तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? इसको इधर लेके जाओ तो वन, ये कितना हो जाएगा? प्रोप्राइटरी फंड 0.75 प्रोप्राइटरी फंड माइनस प्रोप्राइटरी फंड, जैसे एक्स लिखते हैं ना उसी तरह से, 1,60,000 माइनस 4 लाख. तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.7, ये हो गया माइनस 0.25 प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2,40,000. बोलो प्रोप्राइटरी फंड कितना आएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आएगा बोलो? 9,60,000. ये प्रोप्राइटरी फंड आ गया. अच्छा, अब प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर्स का फंड मतलब क्या क्या मिलके होता है याद है? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. अब रिजर्व एंड सरप्लस हमें गिवन है, कितना गिवन था? 1 लाख, नहीं कितना था भाई? 1,60,000. हाँ 1,60,000. तो बोलो कैपिटल कितना था? अगर 9,60,000 मेरा प्रोप्राइटर फंड है, प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या? इक्विटी. इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ये तो मैंने हर बार क्वेश्चन में कहा था. 8 लाख. बस अब बैलेंस शीट में इसको लिख दो. बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख लिखो, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 8 लाख. अच्छा अब ये टोटल लगाओ कितना होता है? 8 और 1,60,000, 3,20,000, 11 लाख, 11,20,000 आ रहा है. तो इधर भी 11,20,000 ही आना चाहिए. चेक कर लेते हैं, फिक्स्ड एसेट निकाल लो. प्रोप्राइटरी फंड अगर पता चल गया, फिक्स्ड एसेट कितना होगा? सब्स्टिट्यूट कर दो. 7,20,000. हाँ 7,20,000 आ रहा है. 0.75 इंटू 9,60,000, 7,20,000, 7,20,000 यहाँ पर लिख देते हैं. फिक्स्ड एसेट हो गया 7,20,000. लेकिन तुम लोग यहाँ से बैलेंस करके नहीं निकाल सकते, वो तुम लोग को आंसर में दिखाना ही पड़ेगा. ये बैलेंस शीट लिख लिए तो ये बैलेंसिंग फिगर लिखोगे ऐसा नहीं चलेगा. तुम लोग को आंसर पूरा करके ही दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से तुम लोग फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट किए हो. ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया. देखो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उससे हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा. अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एमएनओपी लिमिटेड. इक्विटी शेयर कैपिटल ये डायरेक्टली दे दिया 1 लाख. द रेलिवेंट रेशियोज ऑफ द कंपनी करेंट डेप टू टोटल डेप, 2 मतलब डिवाइड होता है 0.4, टोटल डेप टू ओनर्स इक्विटी 0.6, फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी 0.6, टोटल एसेट टर्नओवर 2 times, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 times. देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट अमाउंट में बस एक ही चीज दिया हुआ है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. और हम लोगों को ये पूरा प्रिपेयर करना है जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसके हेल्प से. ठीक है, अच्छा देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल रेलिवेंट रेशियो, अच्छा करेंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखते हैं, करेंट डेप्ट, करेंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट कितना था, करेंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट 0.40. अच्छा उसके बाद है टोटल डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी, यहां पर लिखते हैं टोटल डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी 0.60. अच्छा उसके बाद फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी, फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी 0.60, ये भी 0.60 है. अच्छा टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, एसेट टर्नओवर यहां पर तो नहीं लिख पाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा टीडी, टीडी मतलब वही टोटल डेप्ट. ठीक है, पूरा बार बार टोटल डेप्ट लिखेंगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, तो ये एक ही जगह पे नहीं लिख पाएंगे, तो हम टीडी लिख रहे हैं. तुम लोग चाहो तो अभी टीडी लिख सकते हो, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा तुम लोग को भी, करेंट डेप्ट. ठीक है, सीडी मतलब करेंट डेप्ट हो गया. यहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 इंटू ओनर्स इक्विटी, ओई लिख दिया मैंने. ठीक है, ओनर्स इक्विटी इक्वल टू टोटल डेप्ट. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.60 इंटू ओनर्स इक्विटी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट, इक्वल टू फिक्स्ड एसेट आ गया. अच्छा अभी ये तीन चीज तो लिख लिया हम लोगों ने, टोटल एसेट टर्नओवर बोला है, टोटल एसेट टर्नओवर. अच्छा यहाँ पर लिखते हैं एसेट टर्न ओवर, पहले सारा लिख लेते हैं फिर देखेंगे किसके साथ किसका लिंक हो रहा है. एसेट टर्न ओवर 2 times, एसेट टर्न ओवर इक्वल टू 2 times. बोलो एसेट टर्न ओवर का फॉर्मूला, हर एक टर्न ओवर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, हर एक टर्न ओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था, एवरेज एसेट. करेक्ट, अच्छा सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स इक्वल टू 2 times. अच्छा और एसेट टर्नओवर के बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर, बोलो इसका क्या था, मैंने तो सिखाया था कैसे करके याद रखना है, इतना सोचने का जरूरत क्या है, बोलो ऊपर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ये हो गया 8 times. तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था ना वो हम लोगों ने लिख लिया. अब हम लोग देखेंगे कि किसके साथ किसका लिंक हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा. यहाँ पर इक्विटी तो बता दिया है 1 lakh. अच्छा
इक्विटी 1 लाख बताया है, बट रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं बताया है, ठीक है, रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं बताया है। अच्छा, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी हमें पता था, ये देखो ओनर्स इक्विटी, दो जगह पे हमें इक्विटी बता रखा है, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बट क्वेश्चन में हमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ है। एक बात सोचो, क्वेश्चन में हमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है, बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, बट हम लोगों को क्या चाहिए, ओनर्स इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी का बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है इक्विटी रिलेटेड, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल वी नो 1 लाख, बट रिजर्व सरप्लस नहीं पता। अब हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे रिजर्व सरप्लस निकल जाए। तो देखो सारा चीज तो हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पर देखते हैं क्या रिजर्व सरप्लस, ये देखो यहाँ सेल्स और एवरेज एसेट है, तो ये रिजर्व सरप्लस नहीं निकलेगा। COGS एवरेज इन्वेंटरी, यहाँ से भी रिजर्व सरप्लस नहीं निकलेगा। बाकी कहीं भी ऐसा डेटा नहीं है जिससे हमें रिजर्व सरप्लस निकल हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में कि इन लोगों का कोई रिजर्व सरप्लस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों एजम्पशन ले रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई डेटा है नहीं जो हमें रिजर्व सरप्लस कैलकुलेट करके दे, यानी रिजर्व सरप्लस है। तो इस केस में इक्विटी जितना है वही हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल के बराबर है इक्विटी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखो एज्यूमिंग हम लोग लिखेंगे कि ये एजम्पशन ले रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग देयर इज नो रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी दैट इज नेट वर्थ इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। जो इक्विटी है वही हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल मानेंगे। अब देख लो ये वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं 0.60 इंटू ओनर्स इक्विटी, ठीक है, 0.60 इंटू ओनर्स इक्विटी इक्वल टू TD। तो TD यानी टोटल डेप्ट, पहले वाले पे यूज करें, टोटल डेप्ट इक्वल टू 0.60 इंटू ओनर्स इक्विटी यानी 1 लाख। तो बोलो टोटल डेप्ट कितना आ जाएगा, 60,000 टोटल डेप्ट आ गया 60,000। सिमिलरली और एक जगह था हमारा इक्विटी का डेटा, ठीक है, यहां से हम लोग फिक्स्ड एसेट निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.60 इंटू ओनर्स इक्विटी, ये भी आ गया 60,000। तो फिक्स्ड एसेट और टोटल डेप्ट निकल गया। अब यहाँ टोटल डेप्ट दिया था तो यहाँ करेंट डेप्ट आ जाएगा, ठीक है, इसके आगे वाले में करेंट डेप्ट इक्वल टू, करेंट डेप्ट इक्वल टू कितना था, 0.40 इंटू टोटल डेप्ट, 0.40 इंटू टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 60,000। तो बोलो कितना आएगा करेंट डेप्ट, कितना आएगा 24,000। बस ये तीन चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये सब सॉल्व हो गया। ये देखो ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला भी सॉल्व हो गया, करेंट डेप्ट भी पता चल गया, टोटल डेप्ट भी पता चल गया, ओनर्स इक्विटी। तो हम लोगों ने एजम्पशन लिया ही था कि जितना हमारा इक्विटी है सिर्फ वही ओनर्स इक्विटी है, हमारे पास कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल्स एवरेज एसेट ये सब भी दिया हुआ है, तो देखते हैं ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सेल्स देख लेते, सेल्स इक्वल टू एवरेज एसेट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज एसेट्स इक्वल टू 2 times। अच्छा, एवरेज एसेट मतलब क्या होता है, ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट का एवरेज होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, 2 साल का डेटा होता है तभी ओपनिंग क्लोजिंग होता है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो हम लोग एवरेज को ही नॉर्मल मानेंगे, मतलब एवरेज एसेट इक्वल टू जो नॉर्मल एसेट है, जो एवरेज एसेट है वही वाला हमारा नॉर्मल एसेट भी होगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हमारे पास नहीं है तो एवरेज एसेट और नॉर्मल एसेट दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एवरेज एसेट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट नहीं आ सकता है बिकॉज हमारे पास डेटा उस तरह का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एसेट भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एसेट चाहे तो लिख सकते हैं। एक बार फॉर्मूला में यहाँ लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ एसेट इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि नो ओपनिंग क्लोजिंग, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर
पर लिख सकते हो नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटा ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग डेटा नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ एसेट लेके यहाँ पर काम करेंगे. तो सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट, ठीक है. अब बोलो एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट, एसेट मतलब क्या फिक्स्ड एसेट, यहां पर लिख के दिखाते हैं. एसेट मतलब क्या टोटल एसेट, है ना, टोटल एसेट, टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट. अच्छा एसेट की जगह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लाइबिलिटी, अगर इसको टोटल लिख देते समझने के लिए, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे टोटल लाइबिलिटी. अब बोलो टोटल लाइबिलिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एसेट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन है. लाइबिलिटी का हमेशा दो पार्ट होता है, एक ओनर्स का इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व सरप्लस तो हम लोग नहीं मान रहे कि है बोल के, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक करेंट लाइबिलिटी, है ना, करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी, ओनर्स इक्विटी प्लस बाकी जो लोन वगैरह है यानी करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू टू टाइम्स, ठीक है. अच्छा सेल्स इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख और करेंट लाइबिलिटी कितना है, देखो करेंट लाइबिलिटी भी हमारा कैलकुलेट हुआ है. डेप्ट क्या डेप्ट लाइबिलिटी होगा कि नहीं होगा बोलो, हमें बोला नहीं है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट है कि क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर ये डेप्ट की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं 60,000. इसको तुम लोग चाहो तो डेप्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये तो डेप्ट है, अदर डेप्ट है ना, अदर डेप्ट लिख सकते हैं तो टू टाइम्स. अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, सेल्स बाई 1,60,000 इक्वल टू टू टाइम्स, तो सेल्स इक्वल टू 32 लाख या 3,20,000. मैम बोल रहे हो 24,000 होगा ना, जेटा 60,000 लिखी, 60,000 24,000 क्या ना होगा, करंट डेप करूँ, करंट डेप तो 24,000 ही भेज. अच्छा हाँ यहाँ पर देखो ये 60,000 क्यों लिखा वो भी बता रहे हैं. हाँ बात सही बोल रहे हो, ठीक ही बोला जो मौसमी प्रश्न तो अराइज ठीक ही करे. टोटल डेप्ट के अंदर करेंट डेप्ट आएगा कि नहीं ये बोलो, टोटल डेप्ट मतलब क्या करेंट और नॉन करेंट, है ना, यहाँ पर क्या होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी दोनों को मिला के हम लोग टोटल लाइबिलिटी बोल सकते हैं. बोलो हाँ या ना कुछ तो बोलो तुम लोग, क्या करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी ये दोनों को मिला के टोटल लाइबिलिटी बोल सकते हैं, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी को हम लोग, ये टोटल लाइबिलिटी को टोटल डेप्ट बोल रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, टोटल डेप्ट यानी टोटल लाइबिलिटी, तो यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी और बाकी क्या हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी. तो मेरा टोटल डेप्ट कितना है 60,000 है, टोटल डेप्ट मेरा 60,000 और करेंट डेप्ट मेरा कितना है, करेंट डेप्ट मेरा 24,000 है. मतलब यहाँ पर ना लोन की जगह डेप्ट यूज हुआ, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी नॉन करेंट डेप्ट कितना आ जाएगा बोलो, इसको सॉल्व करके मिल जाएगा कितना हो जाएगा 60 24 36, है ना 36,000. तो हम लोग यहाँ पर ये इसीलिए लिखे, ये मेरा लिखना थोड़ा गलत हो गया, इसको हम लोग सिर्फ करेंट लाइबिलिटी नहीं लिखना चाहिए, इसको बोलो फिर क्या लिखना चाहिए, टोटल लाइबिलिटी, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी लिखो या फिर टोटल डेप्ट लिखो, और टोटल डेप्ट जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज हुआ है, ये देखो टोटल लाइबिलिटी और टोटल डेप्ट. बोलो अब क्लियर हुआ क्वेश्चन जो पूछा गया, एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा था मौसमी ने. बोलो सबको क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए एक्चुअली, या फिर नहीं समझ में आया दीदी? हाँ एक्चुअली मैंने क्या लिखा था, सिर्फ मैंने करेंट लाइबिलिटी लिखा था, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फिर तो करेंट लाइबिलिटी, ये करेंट डेप्ट है, ये टोटल डेप्ट है, तो टोटल डेप्ट के अंदर ही मेरा क्या है करेंट डेप्ट है. टोटल डेप्ट मतलब नॉन करेंट और करेंट, जैसे मान लो एक हम लोगों ने लोन लिया है मोर देन 1 ईयर का, एक लोन लिया है सिर्फ कुछ मतलब मान लो 7 मंथ्स का या 8 मंथ्स का, तो एक करेंट लाइबिलिटी एक नॉन करेंट लाइबिलिटी दोनों को मिला के टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी मतलब ही टोटल डेप्ट हो जाएगा. तो यहाँ से 3,20,000, हाँ ये लैंग्वेज गलत था, 3,20,000 सेल हो जाएगा, तो हम लोग को 3,20,000 सेल मिल गया. अब हम लोग यहाँ से COGS और एवरेज इन्वेंटरी देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है. COGS और एवरेज इन्वेंटरी तो दिया हुआ है
COGS डिवाइडेड बाय, अब सिर्फ इन्वेंट्री लिखेंगे क्योंकि नो ओपनिंग क्लोजिंग, 8 times, ठीक है, और इंटू करके हमारा आया था 8 into इन्वेंट्री इक्वल टू COGS. अब बोलो COGS तो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना, एक बात सोचो COGS कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट होता तभी हम लोग कॉस्ट निकाल सकते जो गुड्स बेच दिया, तो गुड्स कितने का बेचा, 3,20,000, एक बात सोचो 3,20,000 ये हमारा सेल्स है, ठीक है. अब सेल से अगर हम लोग COGS माइनस करेंगे, मतलब प्रॉफिट माइनस करेंगे, तभी तो हमें जाके क्या मिलेगा, COGS मिलेगा, ठीक है, बट हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी हमें करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, हम लोग ये जो रेशियो होता है इसमें COGS के जगह हम लोग सेल्स लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर COGS के जगह हम लोग सेल्स लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 into इन्वेंट्री इक्वल टू सेल्स, और यहाँ पर तुम लोग नोट लगाओगे एज नो प्रॉफिट मार्जिन गिवन, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास नहीं दिया हुआ है टू फाइंड COGS. COGS फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, तो सेल्स के साथ एक मतलब COGS के साथ सिर्फ और सिर्फ सेल्स का रिलेशन होता है, तो हम लोग इसके जगह सेल्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. अब सेल्स कितना आया था, 3,20,000, तो बताओ इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 40,000, ठीक है 40,000 आ गया. अच्छा अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, अब हम लोगों को अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. गुड इवनिंग प्रिया. हेंस ए, ऐसे लिख सकते हो, हेंस ए प्रोफोर्मा ऑफ बैलेंस शीट इज एज शोन बिलो. सैटरडे आने से मुझे लगता है आज सैटरडे आ गया, अब ऐसे होगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है हर बार सैटरडे ऐसा क्यों होता है, सैटरडे और फ्राइडे. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोज बारिश. अच्छा तुम लोग बोलो यहाँ पर क्या क्या लिखे, लाइबिलिटी साइड में पहला डेटा क्या लिखे, बोलो जो भी तुम लोग के पास कॉपी में तो होगा, हम और नहीं देख रहे, तुम लोग मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखे, बोलो क्या क्या. हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000, रिजर्व सरप्लस तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि नहीं था, उसके बाद क्या आएगा, हम लोगों ने ये डेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना, एक नॉन करेंट डेप्ट और एक करेंट डेप्ट, टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट 60,000, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो तुम लोग ये पूरा लिखना, ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट और करेंट लाइबिलिटी या करेंट डेप्ट, एक ही बात होता है. करेंट लाइबिलिटी कितना था, 24,000, और टोटल डेप्ट कितना था, टोटल डेप्ट माइनस करेंट डेप्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट मिल जाएगा, तो टोटल डेप्ट था मेरा 60, उससे 24 माइनस कर दिया 36, यहां पर हम लोगों ने किया भी था, ठीक है 36,000. अच्छा इसका टोटल और तो कुछ नहीं होगा, सारा चीज लिख लिया 1,00,000, और ये कितना आ जाएगा देखो 1,60,000 ना, 1,60,000. फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट होता है नॉर्मली, देखते हैं क्या क्या डेटा मिल जाता है हम लोगों को. इन्वेंट्री यानी स्टॉक 40,000, ये तो इसी में होगा, स्टॉक 40,000. तो अदर्स, बाकी अदर्स लिखेंगे, लेकिन उसके लिए करंट एसेट का टोटल भी तो मुझे चाहिए, क्या हम लोग को कहीं मिला है इसका टोटल, देखते हैं क्या क्या मिला था हम लोग को टोटल डेप्ट. हाँ फिक्स्ड एसेट मिल गया था 60,000, ये लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट 60,000 मिल गया था,
अच्छा फिक्स्ड एसेट 60,000 हो गया, अदर्स कितना होगा? तो उसके लिए हमें करंट एसेट पता होना चाहिए। करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके नहीं कर सकते, ठीक है? हम लोग करंट एसेट कैसे निकाले देखते हैं। अच्छा, हम लोग इस तरह से करंट एसेट निकाल सकते, देखो यहाँ पर दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट। हम भूल गए, ये पहले कर लेना चाहिए था, यहाँ पर दिखाते हैं। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ठीक है? टोटल एसेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है? और टोटल लाइबिलिटी को क्या लिख सकते हैं? इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनर्स इक्विटी प्लस क्या हो जाएगा? टोटल डेप्ट, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि टोटल डेप्ट के हिसाब से लिखा हुआ था। फिक्स्ड एसेट पता है 60,000, करंट एसेट नहीं पता, इक्विटी पता है 1,00,000, टोटल डेप्ट पता है 60,000। तो बोलो करंट एसेट 60-60 दोनों साइड से कैंसिल, करंट एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,00,000 करंट एसेट, 1,00,000 बस। यहाँ पर ये टोटल में लिखो 1,00,000, तो 1,00,000 और 60 दोनों मिला के 1,60,000। तो यहाँ 40 और यहाँ 1,00,000, तो बचा हुआ कितना बोलो? कितना हो जाएगा? 60 अदर्स, ठीक है? ये 60, तो इस तरह से ये बैलेंस शीट रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके नहीं लिख सकते, सारा कैलकुलेट करने के बाद ही बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाता है। तो पहले यहाँ निकाल के दिखाना पड़ेगा 1,00,000 कहाँ से आए, यहाँ पर नहीं दे सकते। हाँ, तुम लोग जरूर बैक कैलकुलेशन करके देख सकते हो। सोचो कि ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे करंट एसेट निकाले। बाई चांस अगर तुम लोग को ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है तो तुम लोग को ये तो पता है इधर अगर 1,60,000 है इधर भी 1,60,000 आएगा। यहाँ 60 पता है, यहाँ 40 पता है, तो यहाँ तो 60 आना चाहिए और टोटल 1,00,000 आना चाहिए। फिर थोड़ा सा ध्यान दो कि कैसे करके 1,00,000 आता है, तुम लोग उस हिसाब से 1,00,000 निकाल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट का यहां पर दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स के तरह, ये देखो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। ये प्लांट एंड मशीनरी, करंट एसेट में इन्वेंट्री, डेटर, कैश, ये इधर गलत था मैंने कैंसिल कर दिया। 4,00,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस 6,00,000, टोटल डेप्ट में करंट लायबिलिटी है 5,00,000। तो टोटल 4 और 6, 10 एंड 5, ये मैंने लिखा है 15,00,000, ठीक है? ये 15,00,000 लिखा है, तो इधर भी 15,00,000 आएगा और हमें ये बैलेंस शीट को पूरा करना है। और बैलेंस शीट को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लांट मशीनरी का डेटा चाहिए, इन्वेंट्री, डेटर और कैश, ये सब डेटा चाहिए, तब हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होगा। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखो। इंफॉर्मेशन है टोटल डेप्ट टू नेट ओर्थ, टोटल डेप्ट टू नेट ओर्थ है, तो टू मतलब डिवाइड, 1/2। अच्छा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 30%। अच्छा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से नेट ओर्थ इक्वल टू 2 × टोटल डेप्ट। अच्छा, उसके बाद बोला है एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्न ओवर 30%। तो इसको कैसे लिखेंगे? टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, सेल्स ऊपर डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। लेकिन यहाँ पर एवरेज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा? फिर से देखो, क्वेश्चन एक साल के डेटा के ऊपर ही डिपेंड है, तो यहाँ पर एवरेज नहीं बनेगा, ठीक है? तो इन्फो हमेशा नोट दे, अगर जिन लोग का लिख के करना है उन लोग को नोट देना जरूरी है, जिन लोग को लिखना जरूरी नहीं होगा वो लोग नोट नहीं भी देंगे तो चलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ टोटल एसेट ही लिख रहे हैं, ठीक है? तुम लोग इसको एवरेज लिख के फिर नोट दे देना कि ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर, ये क्या हुआ? टोटल एसेट टर्नओवर 2 दिया हुआ है ना, वही सोच रहे परसेंटेज में कैसे, ये तो अलग दे दिया, सॉरी ये 2 होगा, 2 है, 2, तो 2 × टोटल एसेट इक्वल टू सेल्स। अच्छा, उसके बाद है कुछ जीपी बता रखा है, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 30%, जीपी ऑन सेल्स 30%, तो जीपी बाई
सेल्स इक्वल टू 30/100। जब हम लोग 100 यूज करते तो यहाँ इंटू 100 नहीं लिखेंगे ना, कोई भी एक जगह पे ही लिखेंगे, जीपी बाय सेल्स इंटू 100। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डेज लेना है। एक साल में नॉर्मली 365 होता है, बट क्वेश्चन हमें बोल रहा है 360 लेना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 40 डेज। बोलो कलेक्शन किससे किया जाता है, डेटर से या क्रेडिटर से? बोलो, कलेक्शन पीरियड था, एक पेमेंट पीरियड था, कलेक्शन किससे किया जाता है? बोलो डेटर। हाँ, डेटर। तो इसका फॉर्मूला, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 360 या 365 या 12 मंथ्स या फिर 52 वीक लेना है, डिवाइडेड बाय कौन सा टर्नओवर होगा? डेटर रिलेटेड है, तो डेटर मैंने तो बोला था ना कैसे याद रखना है, उस तरह से याद रखोगे तो नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, इतना सारा फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे। 360 डेज हमें अज्यूम करने के लिए बोला है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 14 टू डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 360, तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा? 360/40 कितना होगा बोलो? 9। ठीक है, अच्छा, और डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होता है? अरे हर टर्नओवर तो मैंने सिखाया था कैसे याद रखना है, ये तो सबसे आसान रेशियो है। इट्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। हाँ, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। यहाँ पर सिर्फ डेटर लिख रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, टोटल डेटर एवरेज की जगह। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू टोटल, 9 इंटू डेटर लिख देते, नहीं तो फिर टोटल डेप्ट के साथ कंफ्यूजन हो जाएगा, इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। तो ये एटलास्ट इस तरह से हमारा ये थोड़ा सॉल्व होके यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ईयर एंड इन्वेंट्री। तो जो ये बना हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो तो COGS पे ही बनता है। यहाँ पर बोल दिया COGS एंड ईयर एंड इन्वेंट्री 3, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 यहाँ पर लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 3, तो यहाँ आ जाएगा COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, नहीं भी एवरेज लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 3। तो 3 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू COGS। अच्छा, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट मतलब ही क्विक रेशियो, मतलब ही लिक्विड रेशियो। मैंने जब नोट्स लिखवाया था तो तुम लोग को याद होगा कि मैंने तीन नाम लिखवाया था, एसिड टेस्ट रेशियो 0.75, तो एसिड टेस्ट रेशियो 0.75, इसका मतलब है क्विक रेशियो मतलब करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रीपेड एक्सपेंस BOD कुछ नहीं दिया, तो हम लोग जनरल वाला लिखते हैं ये वाला। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये सब बनाया, अब देखो कैसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो भी बन पाता इससे वो हम लोगों ने अभी लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे भी है, ये बैलेंस शीट में भी ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ये लाइबिलिटी साइड का 3 डेटा दिया हुआ है। कहीं पर क्या ये यूज कर सकते हैं? नेट ओर्थ में यूज कर सकते हैं। बोलो ये नेट ओर्थ कौन सा है? यहाँ पर नेट ओर्थ, नेट ओर्थ मतलब प्रोप्राइटर्स फंड मतलब इक्विटी, जो नेट ओर्थ है लास्ट दिन लिखवाया था देख सकते हो, वही प्रोप्राइटर्स फंड है, वही इक्विटी है। तो बोलो कितना हो जाएगा नेट ओर्थ? 4 लाख। 4 लाख कैसे होगा? 10 लाख, 4 + 6, क्योंकि इक्विटी कभी अकेला नहीं होता, ये मैंने बहुत बार बोला, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस तब जाके होगा नेट वर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते, देखो यहाँ जगह था, ये चलो पीछे लिख देते, 4 लाख + 6 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 लाख + 6 लाख इक्वल टू 2 इंटू टोटल डेप्ट, तो 10 लाख इक्वल टू 2 इंटू टोटल डेप्ट, तो टोटल डेप्ट इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, टोटल डेप्ट आ गया 5 लाख। अच्छा,
टोटल डेप्ट अगर 5 लाख आ गया, देखते हैं अब क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। टोटल डेप्ट 5 लाख, ये ऑलरेडी था ही, ये ऑलरेडी दिया हुआ ही था, करेंट लाइबिलिटी 5 लाख। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को बाकी जो इंफॉर्मेशन है इसमें, जैसे टोटल एसेट, अच्छा टोटल एसेट से हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। बोलो, टोटल एसेट, हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन को यहाँ से ले रहे हैं, जैसे इससे हमारा नेट और ये पता चल गया क्वेश्चन से, टोटल डेप्ट जो है हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, वो भी दिया हुआ ही था 5 लाख, ये देखो ना टोटल डेप्ट तो 5 लाख ही होगा क्योंकि ओनली करेंट लाइबिलिटी है, कोई बात नहीं। टोटल एसेट जो दिया हुआ है ये बोलो, टोटल एसेट किसके साथ इक्विवेलेंट होगा? 2 इंटू टोटल एसेट इक्वल टू, हम लोगों ने लिख रखा है इधर सेल्स, बोलो टोटल एसेट इक्वल टू क्या होगा, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? टोटल एसेट इक्वल टू, बोलो अभी बहुत बार बोला, जितने सारे क्वेश्चन, टोटल लाइबिलिटी है ना, तो टोटल लाइबिलिटी कितना है बताओ, ये बैलेंस शीट देख के बताओ टोटल लाइबिलिटी कितना है? 5 लाख। टोटल लाइबिलिटी नॉट करेंट लाइबिलिटी 15 लाख। टोटल लाइबिलिटी 15 लाख। टोटल लाइबिलिटी मतलब, टोटल लाइबिलिटी मतलब होता है इक्विटी, मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करेंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये सब मिला के होता है टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स इक्वल टू कितना हो गया? 30 लाख, है ना, सेल्स इक्वल टू हो गया 30 लाख। अब सेल्स निकल गया, अब देखते हैं कहां पर यूज कर सकते, यहां पर लगाएंगे तो जीपी आ जाएगा, जीपी आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग जीपी निकाल लेते हैं। जीपी इक्वल टू, जीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीपी बाई सेल्स इक्वल टू 30/100, जीपी बाई सेल्स इक्वल टू 30/100, तो जीपी इक्वल टू हो गया सेल्स यानी 30 लाख इंटू 30/100, कितना होगा जीपी फिर? 9 लाख, है ना, जीपी, हाँ जीपी 9 लाख हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 इंटू डेटर इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, अच्छा सेल्स क्या हम लोगों ने निकाल लिया, सेल्स, हाँ सेल्स 30 लाख निकाल लिया था। अब ये क्रेडिट है कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए तो एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा सेल्स ही जो है वो क्रेडिट सेल है, तो वहां से डेटर निकल जाएगा। तो 9 इंटू डेटर इक्वल टू क्रेडिट सेल, ये देखो 9 इंटू डेटर इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि हमें अलग से कुछ नहीं बताया है तो एज्यूम्ड ऑल सेल इज क्रेडिट। ठीक है, तो 9 इंटू डेटर इक्वल टू क्रेडिट सेल मतलब 30 लाख, यहां पर लिख देंगे एज्यूम ऑल सेल्स आर इन क्रेडिट। अच्छा तो ये डेटर बताओ कितना होगा डिवाइड करके 30 लाख/9, कितना होगा? कुछ पॉइंट 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 में आएगा 30 लाख/9, 6 times 3, 2, 3, 4, 0.33, अच्छा 3,33,333, पॉइंट वाला एक बार इग्नोर कर देते, ठीक है 3,33,333 डेटर मिल गया। अच्छा क्रेडिट सेल, अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन था इसका लास्ट आया था इस तरह से, 3 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू COGS। ठीक है, तो 3 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, 3 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू COGS। ठीक है, 3 इंटू इन्वेंट्री, एवरेज तो है नहीं यहाँ पर तो इन्वेंट्री लिख देते हैं एवरेज की जगह। COGS मतलब क्या, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना है 30 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9 लाख, ये हो जाएगा COGS। तो बताओ इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 30 - 9 कितना हो जाएगा 21 लाख/3, कितना हो जाएगा 7 लाख, इन्वेंट्री आ गया 7 लाख। अच्छा इन्वेंट्री मिल गया, अब ये वाला एसेट टेस्ट रेशियो में करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी, यहां पर लिखते हैं करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू कितना था 0.75। ठीक है, तो करेंट एसेट माइनस स्टॉक, स्टॉक हमें पता है अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, इन्वेंट्री कितना कैलकुलेट किया 7 लाख, 7 लाख
करेंट लाइबिलिटी 0.75। अच्छा अब यहाँ पर से चेक करते हैं करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी हमें पता है 5 लाख, ये क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है। तो करेंट एसेट माइनस 7 लाख इक्वल टू 0.75 इंटू 5 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन था करेंट लाइबिलिटी 5 लाख। तो करेंट एसेट इक्वल टू ये 5 लाख का 75% कितना होगा? 3 लाख, 3,75,000। और ये 7 लाख इधर ऐड हो जाएगा, 10,75,000। हाँ 10,75,000। अब ये बैलेंस शीट को हमें पूरा करना है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखना था वो तो लिख लिया। बैलेंस शीट में हम लोग को क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो यहाँ पर बोला है करंट एसेट, ये लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व सरप्लस 6 लाख, करेंट लाइबिलिटी 5 लाख, 4, 6, 10, 5, 15, 15 लाख, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट। अच्छा उसके बाद था करेंट एसेट, करेंट एसेट के अंदर कुछ बता दिया था, इन्वेंट्री डेटर, इन्वेंट्री कैश, ये 15 लाख होगा, ये हमें पता है। करेंट एसेट अभी हम लोगों ने टोटल निकाला 10,75,000, मतलब ये करेंट एसेट का टोटल हो जाएगा 10,75,000, बट इंडिविजुअली भी हमें लिखना पड़ेगा, जिसमें इन्वेंट्री हमें पता है कितना है 7 लाख, इन्वेंट्री मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 लाख, ठीक है। डेटर और कैश लिखेंगे, डेटर कितना है, डेटर क्या हम लोगों ने कहीं पर भी कैलकुलेट किया था, ये देखो डेटर 3,3,3,3,3 इस तरह से 6 times 3, 3,33,333। तो एक काम करते हैं यहाँ पर डेटा पूरा ही लिखना पड़ेगा, 7 लाख, 3,33,333। कैश का हमें नहीं पता लेकिन इसका टोटल पता है 10,75,000, ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। बोलो कैश कितना आएगा यहाँ पर, हम लोग ये बैलेंसिंग फिगर या फिर बैलेंसिंग फिगर करके नहीं लिखो, जैसे मैंने कहा वो एक ही रखते हैं हम लोग, इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ तो जगह नहीं बचा, चलो पीछे दिखाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो तुम लोग इसके बाद लिखना, यहाँ पर लिखते करंट एसेट बता दिया ना हम लोगों, करंट एसेट ऐसे लिखना है, करंट एसेट में स्टॉक पता है, ये देखो क्वेश्चन से हम लोग लिखेंगे स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश, ठीक है। करंट एसेट है 10,75,000, स्टॉक है 7 लाख, डेटर है 3,33,333 प्लस कैश, देयरफॉर कैश इक्वल टू आ जाएगा अभी जो हम लोगों ने आंसर निकाला 41,667, ये कैश हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा अब हमें प्लांट एंड मशीनरी भी निकालना पड़ेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी कैसे निकालेंगे, करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी, ये सब दिया हुआ है, टोटल एसेट, ये तो टोटल एसेट हम लोग का कितना आया था, टोटल एसेट आया था कहाँ पर लिखा मैंने, टोटल एसेट कहाँ पर लिखा, टोटल एसेट जो है वो तो 15 लाख ही होगा, तो तुम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, जो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी ना, तो इसके लिए ये वाला चीज कर सकते हो, उसके बाद वहां पर लिख सकते हो ऐसे टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट इक्वल टू यहाँ पर ये देखो टोटल लाइबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है 15 लाख, और टोटल एसेट मतलब करेंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 15 लाख, करेंट एसेट हम लोग को पता चल गया 10,75,000 प्लस फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 15 लाख। तो बोलो फिक्स्ड एसेट कितना हो जाएगा, 15 लाख माइनस ये 4,25,000 फिक्स्ड एसेट। दीदी एक तो देखा
কোনটা বলো আগেরটা এখন? হ্যাঁ দেখাচ্ছি, ये टोटल करके 15 लाख। এইটা দেখাবো, হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখো, আমার কোয়েশ্চন ভি হো গিয়া, ইস তরহ সে করনা হ্যায়। আচ্ছা আব কোয়েশ্চন নম্বর 5, কোয়েশ্চন নম্বর 5। MNP Limited has made plans for the next year 2010-11. It is estimated that the company will employ total asset of 25 lakh, 30% of the asset being financed by debt. ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट दिन किए थे, ठीक है? यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा अलग डेटा होगा शायद। 30% of the asset being financed by debt, ये जो 25 लाख का एसेट हमें मतलब चाहिए, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा 30% हम लोग डेप्ट यानी लोन लेंगे एट एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 9% पर, 9% रेट पे हम लोग लोन लेंगे। बाकी इसका मतलब जो खुद का पैसा होगा, ओन कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 15 लाख। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ट्रेडिंग में जो तुम लोग लिखते हो वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 2,40,000। बाकी जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मतलब जो PL में लिखते हो उसका खर्चा है 2,40,000। द सेल्स रेवेन्यू आर एस्टिमेटेड एट 22,50,000। टैक्स रेट इज एज्यूम टू बी 40% रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सब बोला है कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सब जो हमें चाहिए उसके लिए हम लोग वो वाला जो सेल्स का जो फॉर्मेट था वो लिख लेंगे, ठीक है? मैंने जो फॉर्मेट तुम लोग को लिखाया था, तो सेल्स कितना है बोलो? सेल्स है 22,50,000। ये देखो सेल्स रेवेन्यू 22,50,000, ठीक है? अब सेल से क्या माइनस करते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट या फिर COGS, ठीक है? जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कितना है देखो? 15 लाख। तो जीपी आ जाएगा, बोलो जीपी कितना आएगा माइनस करके? 7,50,000। जीपी से हम लोग क्या माइनस करेंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है बोलो? 2,40,000। जो बच रहा है उसको क्या बोला जाता है बोलो? कॉपी में देख के ही बोलो कम से कम। मेरा लिखवा हुआ है, इसका एक नाम होता है, बोलो क्या नाम होता है? देखो जहां पर मैंने सेल्स का पूरा वो एनालिसिस लिखवाया था, ये जो बच्चा इसको क्या बोलते हैं? EBIT। करेक्ट, EBIT, ठीक है? अब यहां से इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट तो बनेगा क्योंकि हम लोग लोन लिए हैं ना एसेट को फाइनेंस करने के लिए। कितना? 9% पर एनम। लोन कितना लिए है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 25 लाख एसेट में 30% लोन लेके लिया है, तो 25 लाख का एसेट खरीदा है जिसमें 30% हम लोगों ने लोन लिया है। तो लोन का अमाउंट कितना होता है? 25 लाख का 30% लोन का अमाउंट, 25 लाख का 30% हमारा लोन अमाउंट हो जाएगा और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 9%। तो बोलो कितना होगा? 25 लाख का, पहले 25 लाख का हम लोग 30% करते हैं, लोन अमाउंट मिल गया 7,50,000, इस पे 9%। लास्ट दिन वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग है। लास्ट दिन मैंने जो क्वेश्चन करवाया था तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिखाते हैं अभी। रुको, यहाँ था क्या? होना तो चाहिए, ये रहा ये वाला आई थिंक, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, ठीक है? वो PDF ये वाला, ये देखो सेल्स कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेट, सेम क्वेश्चन था। इस पे मैंने बताया था क्यों हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम यही वाला EBIT बन जाएगा। लास्ट दिन तो यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करके क्लास फिर खत्म किया था। देखो अच्छा, माइनस करने के बाद बोलो क्या आता है? PBT कितना आ रहा है? 4,42,500। 4,42,500। फिर यहाँ से टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स अगर है तो देख लेते हैं। टैक्स है, हाँ 40%, कितना आएगा? 40%
265,500. अच्छा, अब हम लोग ये निकाल पाएंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन. तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन. बोलो फॉर्मूला. नेट प्रॉफिट है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100. अच्छा, तो नेट प्रॉफिट कितना, सेल्स कितना, वो तुम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं. सेल्स 2250 एनपी नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कौन सा होगा बोलो, यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है, बट कौन से प्रॉफिट को हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे? ईबीआईटी जो होगा, ईबीआईटी को बोलेंगे या पैट को? सॉरी पैट को. ईबीआईटी को क्यों, पैट को. पैट मतलब ही क्या होता है, नेट प्रॉफिट. जो पैट होता है वही होता है नेट प्रॉफिट. 265,500 कितना हो रहा है देख लो, कैलकुलेट करके परसेंटेज. 11.8%. अच्छा, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट. रिटर्न ऑन एसेट, तो पैट जो फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिखवाया था, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100. तो पैट तो 265,500. टोटल एसेट, टोटल एसेट कितना, 25 लाख. 25 लाख का टोटल एसेट था इनटू 100 कितना आ रहा है देखो, 10.62%. लेकिन किसी किसी जगह में तुम लोग को रिटर्न ऑन एसेट का और एक फॉर्मूला भी मिलेगा, तो ये भी लिख लो. ठीक है, ये एक नोट बना के लिख लो, जो तुम लोग को याद रहे लिख सकते हो. जब तक हमें स्पेसिफिकली कभी नहीं बोलेगा यही वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते इस तरह से, इनफैक्ट सम ऑथर डिफाइंस रिटर्न ऑन एसेट एज, इस तरह से भी कुछ लोगों ने डिफाइन किया है, नो पैट. नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी जो होगा उससे जब हम लोग टैक्स दे देंगे तो उसे बोला जाता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100. अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, टोटल एसेट 25 लाख, टैक्स 40% था, 1 माइनस 40% लिख दिया मैंने. अच्छा, 1 लिखा है तो एक काम करते हैं, 1 40% मतलब 0.4 होता है, तो 1 माइनस 0.40 लिखते हैं. ठीक है, अच्छा ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी है 5,10,000, तो इसमें आंसर अलग आएगा. तो देखो कितना होगा, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 हो गया. ठीक है, तो 5,10,000 इंटू 0.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 लाख, तो ये हो जा रहा है 12.24%. दोनों करेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला कुछ लोगों ने इस तरह से भी रिटर्न ऑन एसेट को डिफाइन किया है. तो हम लोग एक काम कर सकते हो, बेटर होगा अगर तुम लोग दोनों ही आंसर करके आओ. ठीक है, ये भी और देके ये भी करके आओ, और जिन लोग का एमसीक्यू रहेगा उन लोग को या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो ऑप्शन में ये वाला मिलेगा. ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला ही एक बार हमें याद रखना है. अच्छा, उसके बाद एसेट टर्नओवर, एसेट टर्न ओवर, सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, क्योंकि एवरेज का तो हमारे पास कोई डेटा नहीं. हाँ, सेल्स कितना था, 22,50,000. टोटल एसेट तो पता है 25 कितना था, 25 कितना हो जाएगा, 0.9 टाइम्स. इसका आंसर होता है टाइम्स में. और एक कुछ बोल रखा था, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी.
तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? पैट जो है वो मिल जाता है अगर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। हाँ, पैट बाय इक्विटी इनटू 100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इक्विटी कितना है? इक्विटी कितना है देखना पड़ेगा। पैट तो पता है, पैट है 2,65,500। इक्विटी कितना होगा? जितना टोटल एसेट लिया है उसका 30% लोन से लिया है, बाकी अपने कैपिटल से लिया है। तो बोलो खुद का कैपिटल कितना है? 25 लाख का जो टोटल एसेट हम लोगों ने फाइनेंस किया है, मतलब बैलेंस शीट का एक साइड है पूरा टोटल 25 लाख, यानी बैलेंस शीट टोटल 25 लाख का है। और ये 25 लाख जब हम लोगों ने एसेट पे लगाया है उसका 30% हम लोगों ने लोन लिया है, और बाकी जो बचा वो हम लोगों का खुद का पैसा होगा। तो बोलो कितना होगा, क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू तो टोटल लायबिलिटी होता है। मतलब अगर ये बैलेंस शीट बनेगा तो इधर भी 25 लाख, इधर भी 25 लाख, इधर अगर 25 लाख होगा बिकॉज हमें बोल दिया है टोटल एसेट 25 लाख है, तो टोटल लायबिलिटी भी 25 लाख। अब ये 25 लाख का एसेट खरीदने के लिए हम लोगों ने लोन लिया है 30% इस पूरे वैल्यू का, 30% एसेट का, तो 30% का लोन है, तो बाकी पैसा कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है? ये तो 13,50,000। हाँ, ये इनटू कितना होगा? 70% 265,500 और 17,50,000, अच्छा इनटू 100। अच्छा बोलो कितना होता है सॉल्व करने से? 15.17% हो गया, बस इतना सही बोला था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2013, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, नेट वर्किंग कैपिटल, बोला है नेट वर्किंग कैपिटल 12 लाख, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड 0.75, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, देयर इज नो डेब्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल कोई लोन से नहीं आया है, पूरा का पूरा खुद का है, मतलब पूरा इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस, मतलब इक्विटी दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला है? प्रिपेयर कुछ नहीं बोला, ये सब फाइंड आउट करने के लिए बोला है, प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड, टू मतलब डिवाइड होता है, तो फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड यानी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड 0.75, तो 0.75 इनटू प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बोलो कोई भी टर्नओवर रेशियो कैसे लिखा जाता है, उसी का लॉजिक लगा के हम लोग ये वाला टर्नओवर रेशियो को भी लिख सकते हैं। बोलो कोई भी टर्नओवर रेशियो कैसे लिखा जाता है? सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, वर्किंग कैपिटल हो गया। अच्छा अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 into वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सेल्स, अच्छा उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर जगह रख देते, अगर कुछ सॉल्व हो जाए तो इसके नीचे नीचे ही कर लेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी
15%. अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर कुछ सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने जगह छोड़ा, बिकॉज हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन था, वर्किंग कैपिटल 12 लाख दिया हुआ है, तो 5 × 12 लाख इक्वल टू सेल्स, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 60 लाख है ना, सेल्स इक्वल टू 60 लाख. तो कोई डेप्ट अगर नहीं है तो हमारा बैलेंस शीट कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था देयर इज नो डेप्ट कैपिटल. तो हमारा बैलेंस शीट ऐसे बनेगा, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट ये तो रहेगा, दैट इज टोटल एसेट. और टोटल लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, प्रोप्राइटर्स फंड आएगा, क्योंकि कोई किसी भी तरह का डेप्ट नहीं है तो सिर्फ प्रोप्राइटर्स फंड आएगा. इसको ध्यान में रख के हम लोग करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 0.075 × प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू क्या है, फिक्स्ड एसेट है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 0.75 × प्रोप्राइटर्स फंड इंटू प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट. अच्छा नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोप्राइटर्स फंड जो है ये, अच्छा देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे. नाउ फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड, क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है. इस क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटी मतलब सिर्फ प्रोप्राइटर्स फंड है, ये इक्वेशन बन रहा है. तो फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट इक्वल टू प्रोप्राइटर्स, नहीं इसमें सब्स्टिट्यूट करना था ना, सॉरी सब्स्टिट्यूट करते हैं. फिक्स्ड एसेट की जगह लिखेंगे 0.75 प्रोप्राइटर्स फंड और प्लस करेंट एसेट इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड. अब ये प्रोप्राइटर्स फंड इधर लेके आओ तो कितना बनेगा माइनस करने से, 1.75 − 1, तो ये हो जाएगा −0.25 प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू माइनस करेंट एसेट. तो 0.25 प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट एसेट हो जाएगा, ठीक है, करेंट एसेट हो गया. अब देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बोलो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट, हाँ करेंट लाइबिलिटी. और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 12 लाख और करेंट लाइबिलिटी है ही नहीं क्योंकि हमारा कोई डेप्ट नहीं है, तो ये बैलेंस शीट ऐसे बन गया. तो वर्किंग कैपिटल जो है वही करेंट एसेट हो जाएगा, होगा कि नहीं. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये 12 लाख यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो प्रोप्राइटर्स फंड कितना हो जाएगा, डिवाइड करके बोलो 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 48 लाख प्रोप्राइटर्स फंड 48 लाख. अब यहां से फिक्स्ड एसेट भी निकालो, ये रहा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट देयरफॉर फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75 × 48 लाख. ये हो गया फिक्स्ड एसेट. अच्छा और क्या चाहिए हम लोगों को, फिक्स्ड एसेट निकाल लिया, प्रोप्राइटर्स फंड, देखो फिक्स्ड एसेट निकाल लिया, प्रोप्राइटर्स फंड भी निकाल लिया, आंसर आ गया. नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए वाला नहीं कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट रेशियो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी उधर लिख रखा था, चलो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताओ, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था पैट डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो डिवाइडेड बाय अभी तो लिखा था पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी. पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी मैंने इधर 0.15 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो पैट इक्वल टू
0.15 इंटू इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और उसका मतलब ही होता है नेट ओर्थ या फिर प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड तो आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया था ना यहाँ पर, कहाँ लिख के दिखाया तो था, मिटा दिया कि नहीं मुझे नहीं पता। चलो ये हमेशा याद रखो, जो नेट ओर्थ है वही प्रोप्राइटर्स फंड है, वही इक्विटी है, ठीक है। और इक्विटी मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये बड़े काम का चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा इक्विटी, अब इक्विटी कितना आया बोलो, इक्विटी मतलब वही प्रोप्राइटर फंड, बोलो कितना आया था, 48 लाख। तो पैट कितना आ जाएगा, 48 लाख का 7,20,000। नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये देखो नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन, हाँ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वही नेट प्रॉफिट रेशियो होता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट मतलब ही क्या, पैट, पैट, नेट प्रॉफिट मतलब पैट, पैट कितना आया, 7,20,000। सेल्स, सेल्स आया था क्या हमारा, सेल्स आया था 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख कितना हो रहा है, 12% हो रहा है, तो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा था, कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ एम लिमिटेड, ऑफ एम लिमिटेड रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st of March 2012, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, करेंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, टोटल सेल्स 30 लाख, कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, कैश परचेस 2,30,000, वर्किंग कैपिटल 2,80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री, परचेस, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर और एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, अच्छा एवरेज कलेक्शन पीरियड, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, बहुत सारा चीज है। अच्छा तो सबसे पहले बोला है एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्योंकि हम लोगों को बोल दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ ये वाला रिलेशन से हम लोग एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होता है बोलो, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2। अच्छा बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 2 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू, अब बोल रहा है कि ओपनिंग जो है उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग कितना होगा, x प्लस 80,000। अगर मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी है उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है तो ओपनिंग x होगा तो क्लोजिंग x प्लस 80 होगा, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, यहां पर x प्लस x, 2x प्लस 80,000 और ये 2 इधर डिवाइड कर देते हैं तो कितना बच रहा है, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 40,000, ठीक है ये एवरेज इन्वेंट्री अभी हम लोगों ने लिखा, लेकिन हम लोग को x तो वैल्यू चाहिए अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। x क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, देखते हैं इन्वेंट्री रिलेटेड कुछ डेटा हमें मिलता है कि नहीं।
सेल्स बोला था यहाँ पर, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि 6 times है, वहां से हम लोग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री आ जाएगा वहां से, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ, 6 times, बोलो क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 6, 6 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू COGS, तो 6 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। COGS कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस जीपी करके, देखते हैं सेल्स का कोई डेटा दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 30 lakh, ठीक है, और बोल रहा है कि कैश सेल 25%, प्रॉफिट का हाँ पता चल गया 25% ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स से जीपी लेस कर देंगे, सेल्स कितना है, COGS मतलब सेल्स माइनस जीपी, तो सेल्स कितना है 30 lakh, ये देखो 30 lakh, और जीपी कितना है, जीपी मतलब जीपी बाय सेल्स इनटू 100, तो सेल पे 25%, तो 30 लाख पे 25% लगाओ कितना होगा, 7 lakh 50, हाँ 7 lakh 50, तो COGS मिल जाएगा माइनस करने से, तो एवरेज इन्वेंट्री भी आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, 30 lakh माइनस 7 lakh 50, 22 lakh 50 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 3 lakh 75 thousand, एवरेज इन्वेंट्री पता चल गया 3 lakh 75 thousand, तो हम लोग ये एक्स निकाल सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स प्लस 40,000, तो एवरेज इन्वेंट्री है 3 lakh 75, तो 3 lakh 75 माइनस 40, x इक्वल टू कितना 3 lakh 75, तुम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, हम यही पर लिख देते 3 lakh 75 और माइनस 40, तो कितना होगा 3 lakh 35 thousand, तो ओपनिंग निकाल लिया, हम लोग को बोला था एवरेज इन्वेंट्री निकालो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, एवरेज इन्वेंट्री का आंसर आ गया 3 lakh 75 thousand, पहला कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट बोला है परचेज, तो परचेज रिलेटेड विद क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं, 10 times बोल रखा है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोला है 8 times, बोलो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वल टू 8। देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन है क्या, क्रेडिट परचेज कैश परचेज दिया हुआ है 2 lakh 30, बट क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, कैश परचेज नहीं चाहिए, अच्छा, और एवरेज क्रेडिटर चाहिए, तो क्रेडिटर का भी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो परचेज मतलब क्या होगा, देखो COGS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, COGS को कैसे लिख सकते हैं, COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, माइनस क्या होता है बोलो, ओपनिंग स्टॉक जितना था, हाँ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, COGS कितना आया था, अभी अभी आया था, बोलो कितना आया था, यहाँ पर माइनस किया था 22 lakh 50 thousand, तुम लोग कॉपी में देखो 22 lakh 50 thousand आया था, ओपनिंग स्टॉक भी मैंने सॉल्व किया था थोड़े देर पहले, कितना आया था ओपनिंग स्टॉक 3 lakh 35 प्लस परचेज, अच्छा अच्छा एक मिनट रुको, तुम लोग थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके लिखो मात्र,
अच्छा बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो भी है क्लोजिंग स्टॉक उससे 80,000 ज्यादा है, तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 3,35,000 प्लस 80,000 तो कितना हो जाएगा 22,50,000, यहाँ पर 3,35,000 माइनस 3,35,000, ये दोनों देखो ना कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या परचेस माइनस 80,000। तुम लोग अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। परचेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, 22,50,000 प्लस 80 कितना होगा, 23,30,000 परचेज आ गया। पूछा क्या था, अच्छा परचेस पता चल गया। अब हमें कैश परचेस दे दिया है 2,30,000, ठीक है कैश परचेस दे दिया है, अब हम लोग क्रेडिट परचेस निकाल सकते हैं, क्रेडिट परचेस निकाल सकते हैं। कहाँ चला गया कैश परचेस, 2,30,000, देयरफॉर क्रेडिट परचेस इक्वल टू ये 23,30,000 माइनस 2,30,000, बोलो कितना होगा क्रेडिट परचेस, माइनस करके बताओ, 21 लाख क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस का आंसर आ गया है। बोलो बोलछी परचेस का 15 लाख अच्छा ना, परचेस 15 लाख की टोटल ना क्रेडिट कौन टा बोल छे, हमार तो परचेस टोटल तो 23,30,000 है, से 15 की करेला 23,30,000 असर को था 15 की करे छे, तुम्ही के भावे करो नी अन्य किछु करे छो, বলছি সিওজিএস থেকে মনে উঠে ভুল লিখেছো, সিওজিএস তে 22,50,000 এটাই হওয়ার কথা। আচ্ছা ক্রেডিট পারচেজ 21 লাখ হ্যাঁ 21 লাখ আর ইন 8 ইনটু এভারেজ ক্রেডিটর, তো ক্রেডিটর নিকল যায়গা, ক্রেডিটর কিতনা হোগা বলো, এভারেজ ক্রেডিটর ডিভাইড কর দো, 21 লাখ ডিভাইডেড বাই 8 কিতনা হোগা, 2,62,500 ये आ गया। अच्छा तो एवरेज इन्वेंट्री का आंसर मिल गया, परचेस का आंसर मिल गया, अब हमें एवरेज डेटर चाहिए, एवरेज डेटर मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो से निकलेगा, तो यहां पर लिखते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो कितना बोल रखा है 8 times, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अच्छा क्रेडिट सेल कितना होगा, क्रेडिट सेल जो है वो है कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यहां पर देखो टोटल सेल दे रखा है 30 लाख, यहां पर लिखते हैं टोटल सेल 30 लाख, टोटल सेल मतलब क्रेडिट सेल प्लस, नहीं इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, क्रेडिट और कैश दोनों सी से ही हो जाएगा, क्रेडिट प्लस कैश, ये दोनों टाइप का सेल मिला के टोटल सेल होता है जो कि 30 लाख दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल अगर एक्स है तो कैश सेल 25% ऑफ एक्स होगा, ठीक है यहाँ पर 30 लाख, तो 25% मतलब कितना होता है 25 डिवाइडेड बाई 100 होता है, तो ये एक्स प्लस 0.25x, अब दोनों को टोटल कर लो तो 1.25 हो जाएगा, 1.25x 30 लाख, तो x इक्वल टू 30 लाख एक्चुअली डिवाइडेड बाई 1.25, तो कितना हो जाएगा 24 लाख, है ना 24 लाख, ये क्या आ गया x, हम लोगों ने क्या माना था क्रेडिट सेल, अच्छा तो क्रेडिट सेल पता चल गया 24 लाख, तो यहां पर लिख देते 24 लाख इक्वल टू 8 इंटू एवरेज डेटर,
तो डेटर कितना आ जाएगा, एवरेज डेटर 3 लाख, डिवाइड कर देने से 24/8 डिवाइड कर दो, 3 लाख आ जाएगा। तो हमें एवरेज डेटर भी मिल गया, एवरेज डेटर 3 लाख। एक बार थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, एवरेज डेटर 3 लाख हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, एवरेज डेटर 3 लाख। एवरेज क्रेडिटर वो भी हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया था ना, एवरेज क्रेडिटर 2,62,500, 2,62,500 क्रेडिट परचेस तो 21 लाख आया है, क्रेडिट परचेस डिवाइडेड। अच्छा ये क्या 10 टाइम्स था, ये 10 टाइम्स था ना क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तभी यहाँ पर आंसर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो 10 था, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये आंसर मेरा टैली नहीं हुआ आंसर के साथ। 21 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा ना, 2,10,000। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने 10 नहीं लिखा था, 8 लिख दिया, इसलिए गलत हो गया था। एवरेज इन्वेंटरी फाइंड आउट हो गया, परचेस फाइंड आउट हो गया, एवरेज डेटर फाइंड आउट, एवरेज क्रेडिटर फाइंड आउट हो गया। अच्छा एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड मतलब वही 360 या फिर 365, तो हम लोग यहाँ पर 360 ले रहे हैं एक बार, ठीक है, बोला नहीं है कुछ, हम लोग अपने मन से एक बार 360 ले रहे, 365 भी ले सकते, उसमें आंसर अलग आएगा, ठीक है, हम लोग 360 ले रहे हैं। 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो 360 क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना था, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो था 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 डेज, ठीक है, 36 डेज आ जाएगा ये वाला। अच्छा और अगर 365 लेंगे तो पॉइंट में आएगा, बस इतना ही फर्क है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड का सेम वैसे ही 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना था, यहाँ पर गिवन था डेटर टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स था, तो कितना होगा 8 से डिवाइड करने से 45 डेज। 360 लिया इसलिए, हाँ इसीलिए राउंड में आया, 365 भी लोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर 360 लेते हो तो एज्यूम्शन लिख देना कि एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, जरूरी नहीं है, अगर तुम लोग 365 से ही कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि हाँ 360 लेना है जैसे एक क्वेश्चन में दिखा था, तो वैसे 360 ही लेना पड़ेगा। हो गया, अब बस दो ही टर्म बचा है, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.4, यहीं पर कर देते हैं, हाँ यहाँ पर कर देते हैं, तुम लोग अपने कॉपी में नीचे करो, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी तुम लोग इसके बाद करना, ठीक है, इक्वल टू करेंट रेशियो, करेंट रेशियो, करेंट रेशियो बता रखा है 2.4, तो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2.4 करेंट लायबिलिटी इक्वल टू करेंट एसेट, देखते वर्किंग कैपिटल अगर दिया हुआ है तो हमारा काम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, वर्किंग कैपिटल कहीं दिया हुआ है, इन्वेंटरी क्रेडिटर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टोटल सेल्स, हाँ 2,80,000 दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,80,000, ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर देंगे करेंट एसेट की जगह 2.4 करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,80,000, तो यहाँ पर कितना होगा 1.4 करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,80,000, तो करेंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो ना, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना होगा, 2 लाख होना चाहिए, 14 × 2 = 28, 2 लाख। करेंट लायबिलिटी अगर 2 लाख है तो करेंट एसेट कितना होगा, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें 2.4 × करेंट लायबिलिटी 2 लाख कितना होता है, 2.4 × 2 लाख 4.8 लाख, मतलब 4,80,000 है ना, 4.8 लाख मतलब 4,80,000। तो देखो ये भी कैलकुलेट हो गया, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी ये भी कैलकुलेट हो गया।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर वन है, ये पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर वन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 1, 6 और 5। और अच्छा ये 5 का ही है, 1, 6 और 5। बस ये तीन क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क, तुम लोग ट्राई करना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम करवा देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए कहा गया है, सिर्फ शायद क्वेश्चन नंबर वन को छोड़ के, या फिर वन में भी कमेंट है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो तुम लोग इसको एक बार देख लेना, और आज जो भी क्यों देखना, क्योंकि रेशियो से इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर अभी इतना ही।